आना मलपुरा के रोहता में शुक्रवार को हुई ऑटो चालक की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया मृतक की पत्नी और भाई ने मलपुरा पुलिस पर आरोपियों को गिरफ्तार न करने का आरोप लगाया पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई करने के आदेश दिए शुक्रवार को रोहता गाँव के ऑटो चालक देवेंद्र सिंह की निर्मम हत्या कर दी थी पत्नी रेणु और भाई मनीष का आरोप है की देवेंद्र को उसके दोस्त खाना खिलाने के नाम आरोप घर ऐसी ले गए थे होटल में देवेंद्र की हत्या कर दी महिला का आरोप है कि मलपुरा पुलिस आरोपियों को संरक्षण दे रही है मुकदमा लिख जाने के बाद अनजान लोग परिजनों का पीछा कर रहे हैं परिवार को आशंका है कि कहीं भाई की हत्या न कर दें आरोपी लगातार मुकदमा वापस लेने के लिए दबेश बना रहा है सुबह घर से होटल चलाने गए शाम को फोन किया कि आप बच्चों को खाना के लागे पर ले जा रहा हूँ को। लाला देवी होटल होटल लाला एक, एक वारे। वारे। कोई दुश्मनी नहीं थी भैया देवेंद्र का भाई हूँ मैं और मेरे भाई ऑटो चलाने के लिए रोज सुबह निकलते थे और ऑटो चलाने गए थे लेकिन उनके जो साथ में मित्र थे उन्होंने शाम को बोला था कि होटल पे खाना खाते हैं तो वो लोग केला देवी होटल पे खाना खाने गए और वहाँ पर खाना खाते समय उनके साथ कोई ऐसी वारदात हो गई लेकर उनमें आपस में झगड़ा हुआ था और झगड़ा होने के बाद में उन्होंने होटल वालों ने और इन्होंने दोनों को मारपीट की उसकी हाँ, मारपीट करने के बाद में और जो मारपीट करने के बाद उन्होंने ले जाकर रेलवे ट्रैक उन्होंने फेंक दिया था और वो पुलिस ने सुबह में पुलिस ने सूचना दी कि आप तुम्हारा ये ऑटो यहाँ खड़ा है और ऑटो खड़ा है और उसको लेके मतलब मुकदमा दर्ज हो गया मुकदमा दर्ज हो गया इन साहब चाहते हैं साहब छोटे छोटे बच्चे हैं और वहाँ से कोई गिरफ्तार होना चाहिए हमारे पीछे बाइक ले लेके आ जाते हैं बिना नंबर की बाइक और स्केब लगा के मुंह पे मुंह मुँह के आते हैं कहीं भी जाते हैं खाना पीना सामान लेने के लिए जाते हैं दूध पानी वो तो लोग पीछे आ जाते हैं, धमकी दे रहे हैं पिछले शुक्रवार को रोहता के ऑटो चालक देवेंद्र की हत्या कर दी गई थी पत्नी रेनू और भाई मनीष का आरोप है कि देवेंद्र की हत्या उसी के दोस्तों ने की है मलपुरा पुलिस ने दो दिन बाद मुकदमा दर्ज किया है लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है आरोपी लगातार परिवार को धमकी भी दे रहा है परिवार को आशंका है कि कहीं भाई की भी हत्या न कर दे मुकदमा वापस करने के लिए लगातार आरोपी दबिश बना रहे हैं मृतक की पत्नी का मलपुरा पुलिस से भरोसा ही उठ गया है इसीलिए मृतक की पत्नी ने इसीलिए कमिश्नर से मिलने के बाद परिवार को न्याय की उम्मीद है सी न्यूज के लिए मनीष जैन की रिपोर्ट